हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अब ये सेकंड वीडियो है क्योंकि हमने अभी बनाया सुबह चिवड़ा, अभी हम बना रहे हैं चकली। और चकली के भाजनी का वीडियो मैंने इससे पहले भी अपलोड किया है, इससे पहले अपलोड किया है। तो हमने भाजनी का पीठ चक्की से, आटा चक्की से पीस के ला लिया है, बट इतनी जितना हमने आटा बनाया था उतना कंप्लीट आटा का हम चकली नहीं बना रहे हैं। उसमें से हम थोड़ा सा ले रहे हैं, यहाँ 5 कटोरी आटा लिया है और इसको छान लेंगे। बाकी का आटा आप 1 महीने तक अच्छे से स्टोर कर सकते हैं टाइट कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में, तो वो अच्छा रहेगा। आप जब चाहे तब चकली बना सकते हैं। और अभी हमारे पास वक्त कम है इसलिए हम अभी जो हमें भगवान के लिए पूजा के लिए लग रही है उतना ही बनाएंगे और थोड़ा बहुत खाने के लिए देने के लिए। और जैसे ही पूजा वगैरह का काम खत्म हो जाएगा हम और बनाएंगे, तो फिर इसलिए हम थोड़ा सा बना रहे हैं, अभी अर्जेंट है इसलिए। और यहाँ हम आटा इसलिए छान रहे क्योंकि कभी वो आटा चक्की वाला दरदरा पीसता है, कभी बारीक पीसता है, तो हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली कैसे उसमें पीसा है और लम्स भी आ जाते हैं, इसलिए उसको एक बार छान लेना बेहतर होता है। इसलिए छान लीजिए। और मैं यहाँ बना रही हूँ बैंगन का भरता, बट यहाँ मैं वो बैंगन को भून नहीं रही हूँ, तल रही हूँ तेल में। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, इससे कि जो काला काला छिलका आता है ना वो नहीं आता, ये ऊपर की लेयर इजीली निकल जाती है, उसमें कैसे वो जलने का काला काला रहता है वो रह जाता है। यहाँ बन रही है खिचड़ी, ये चावल, ये टमाटर भी मैंने थोड़ा सा फ्राई करके ले लिया है। आटा छान लिया है, अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जैसे कि सौंफ, अजवाइन और थोड़ी सी खसखस, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक। ये हमारे भाजनी का आटा है, मतलब चकली का आटा। इसमें चावल, चने की दाल, चावल, चने की दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और पोहा, ये सब इसमें डाला हुआ है। इसमें हम डालेंगे भुना हुआ सौंफ। थोड़ा सा घी डाला और थोड़ा सा तेल डाला मोहन के लिए। मोहन को क्या बोलते हैं हिंदी में हमें तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। फटाफट अपने हे समोर येते ना दळला बिळला की भीती वाटते। हां अशी तोडणी नाही माहिती आहे का, एक बार हा बाबू शिवरात्री तेरी शादी होने से पहले 2 साल पहले शिवरात्रि को यहाँ बाजू में उनके साथ तो मंदिर में गई थी, फेरे मार रही थी, यहाँ जो शादी में समय लगी हुई थी भगवान के पास लगा थे, पता नहीं वो यज्ञ कुंड को ऐसे फेरे लगा रही थी और समय ऐसे बाजू में थी, वहाँ यज्ञ को फेरे लगा रही थी तभी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब समय के पास में अगरबत्ती जलाने के पीछे से कहाँ से आग लगी पता नहीं, ऊपर घूम रही हूँ और अरे इतना गर्म गर्म क्यों लग रहा है, गर्म गर्म क्यों लग रहा है करके देख रही थी मैं।
बच्ची हो तो मेरी रोटी पूरी यहाँ तक जल गई थी, फिर निकाल के ऐसे जल्दी जल्दी पूजा दी, इतनी डर गई भगवान, मेरा ध्यान नहीं होता तो आज क्या होता, इसलिए वो लेकिन खाना बनाते डर होता है। मोर डाल देंगे हम उसमें ताकि क्रिस्पी हो जाए। घी और तेल का है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है मोहन डालने के बाद। अब हम इसको पानी डाल के थोड़ा थोड़ा गूंदेंगे, पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदिए, जैसे हम रोटी का चपाती का आटा लगाते हैं वैसे ही गूंदिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। जैसे हम चपाती का आटा बनाते हैं वैसे ही बनाना है। चपाती का आटा थोड़ा सा चिपचिपा होता है, चिकट होता है, बट ये थोड़ा भरभरा होता है, तो ज़्यादा मतलब एकदम सॉफ्ट होने तक इसको अच्छे से गूंदना और पानी थोड़ा थोड़ा डालना। एकदम ही पतला करेंगे तो वो चकली का जो डिज़ाइन है प्रिंट है उस पर आएगा नहीं, और एकदम ही गाढ़ा करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी चकली बनाने में, इसलिए हल्का सॉफ्ट ही रखना आटा, एकदम चिपचिपा नहीं करना, उसी लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंदिए। इसको हम ढक, आटा गूंथना हो गया, इसको हम ढक देंगे 10-15 मिनट के लिए, बाद में हम चकली बनाएंगे। ये आटा 10 मिनट हो गए, 10 मिनट आधा घंटा हो गए, 10 मिनट से ज्यादा हो गए, अब उधर चलता है 10 मिनट आधा घंटा, ये गोले करके इसमें डाल देना चकली का साँचा। मैंने यहाँ पे चकली का साँचा डाला है, और तेल गरम करने रखा है। क्या हुआ? हाँ सब ठीक है, तो नहीं तो प्लेट गए तो चावर आम्ही चकल्या बनवणार, पण ही कढईपेक्षा ना पॅन राहिला तर बरं झालं, तू पॅन मध्ये आज ते भरित केलं। तो हम ऐसे ही सारी चकली बना लेंगे राउंड ड्रॉप शेप में, आपको चाहे जैसा साइज बनाना वैसे बना सकते, कोई छोटी पसंद करता है कोई बड़ी पसंद करता है, तो आप अपने हिसाब से शेप और साइज दे सकते हैं उसे। तो मम्मी ऐसे बनाते हैं कि जो दाने दाने वाला चम्मच होता है उस पर, जिससे हम उसे तल के निकालते हैं उसी पर चकली बनाते हैं और डायरेक्ट तेल में छोड़ते, कोई कोई उसको पेपर में या फिर थाली में बना के रखते हैं फिर एक साथ तलते हैं, जैसे आपको ठीक लगा आप वैसे कर सकते हैं। कढ़ाई से अच्छा आप ऐसे पैन रहता है ना, ऐसे बड़े बर्तन बना ऐसे ऐसे इस तरह के पैन से पैन में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा खुल जाती है, कढ़ाई में कम आती है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना, हाई पे नहीं रखना वरना जल जाएगी, और हल्का गोल्डन आप चाहे तो हल्का गोल्डन निकाल सकते हैं, और आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो हल्का सा ब्राउन होने तक उसे वहीं पे रखिए, ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो वो थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आएगा तो जलने जैसा लगता है, और थोड़ा हल्का गोल्डन निकालेंगे तो थोड़ी हल्की कच्ची रहती है और वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होती, क्रिस्पी चाहिए तो हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक उसे पकने दीजिए। ये 4-5 में बड़ी बड़ी निकाल रही हूँ भगवान के पास रखने के लिए।
इसी तरह से हम सारी चकलियाँ बना लेंगे। और इस वीडियो को यही स्टॉप करती हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियो हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो